सरदाना हमारे साथ जुड़ गए अर्थशास्त्री हैं। विजय जी, अभी जफर साहब ने बहुत अच्छे तर्क दिए, महंगाई पर सवाल जो पूछा उसमें जवाब में ये आया कि रोड नेटवर्क बन रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, घर दिए जा रहे हैं लोगों को आवास योजना के तहत, इसी तरह के जवाब मेरे दर्शकों को सुनने को मिले। विजय सरदाना जी, मैं ये पूछना आपसे चाहती हूँ कि क्या वाकई महंगाई बढ़ी है क्या, और अगर बढ़ी है तो कितने फीसदी बढ़ी है, और क्या वाकई गरीब की थाली से निवाला गायब हुआ है क्या? क्या ये सच है या ये मैं बढ़ा चढ़ा कर कह रही हूँ, क्या ये सच है या नहीं? गरिमा जी, आपको, पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की वो ये है कि दोनों ही बातों में सच्चाई है। जो जफर साहब ने कहा कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, घर दिए जा रहे हैं, फ्री राशन दिया जा रहा है, ये भी सच्चाई है, और देश में महंगाई बढ़ी है, ये भी सच्चाई है। आइदर और की सिचुएशन नहीं है। अभी जो सुप्रिया जी ने पहले कहा कि भाई इतना सारा टैक्स के नाम पे आप लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, देखिए टैक्स के नाम पे पैसा निश्चित रूप से इकट्ठा हुआ, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या उस इकट्ठे हुए पैसे का सदुपयोग हो या दुरुपयोग हुआ। जब तक उसको हम नहीं समझेंगे, टैक्स कलेक्शन अगर देश निर्माण में लग रहा है तो सही है, और अगर वो गलत जगह जा रहा है तो गलत है। बात बहुत सिंपल है, क्योंकि पैसा देश का है। अब जो सवाल आपने कहा कि महंगाई बढ़ी है, निश्चित रूप से बढ़ी है, तीन चार चीजों पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। और अनिल जी हमारे साथ बैठे हैं, किसान संगठन के काफी इंपॉर्टेंट नेता हैं। देखिए, दो तीन बातें हमें समझनी होंगी कि इस देश की जो जमीन है वो कांस्टेंट है। हर साल करीब 1.5 करोड़ के आसपास आबादी बढ़ जाती है। अगर आबादी बढ़ रही है, जमीन नहीं बढ़ रही है, तो खाने की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, ये बात हमें माननी पड़ेगी। दूसरा, जहां तक बात है आपकी, जलवायु आपके कंट्रोल में नहीं है। आप जब टेक्नोलॉजी लाने की बात होती है, जैसे मान लीजिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, जब एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी लाने की बात होती है तो सारे एनजीओ खड़े हो जाते हैं कि आप किसान को टेक्नोलॉजी क्यों दे रहे हो। प्रॉब्लम यह है कि कंज्यूमर चाहता है कि उसको सब कुछ मिले और सस्ते में मिले। दूसरी तरफ हम यह चाहते हैं कि किसान की आमदनी बढ़े और उसके लिए एमएसपी बढ़े, और बीच में टैक्स कलेक्शन करके आप सब्सिडी बढ़ाना भी नहीं चाहते। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि ये इकोनॉमिक्स कौन समझाएगा कि आपको किसान की आमदनी भी बढ़ानी है, अच्छी बात है, किसान के साथ साथ कंज्यूमर को सस्ता मिले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टैक्स भी मत बढ़ाओ, ये भी पॉसिबल होना चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो, ये भी पॉसिबल होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक हम होलिस्टिक अप्रोच नहीं लेंगे इकोनॉमी की, तब तक इस तरह के विवाद चलते रहेंगे। सवाल इतना है कि क्या हमारे को यह पता है, इस देश में, एक उदाहरण में लेता हूं, कि हिंदुस्तान में टमाटर की कंजम्पशन कितनी है? क्या आज तक 70 साल में जितनी सरकारें आई उन्होंने कभी ये एस्टीमेट किया? प्रोडक्शन का डेटा है गरिमा जी, इस बात को समझिएगा। हम लोग कंफ्यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, हम कहते हैं हिंदुस्तान में इतने लाख टन, इतने मिलियन टन टमाटर पैदा हुआ, अच्छी बात है, डिमांड कितनी है, ये डेटा कहां है? 140 करोड़ लोगों को कितना टमाटर चाहिए? आज तक मैंने अपने 30 साल के एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी एरिया में काम करते हुए हो गए, आज तक मैंने डिमांड डेटा नहीं देखा है। इसका मतलब यह है कि जितना हिंदुस्तान में पैदा हो रहा है वो हमारी जरूरत के हिसाब से है, कम है, ज्यादा है, किसी को नहीं पता। हमें तब पता लगता है कि जब महंगाई बढ़ जाती है, तब हम कहते हैं ओहो सप्लाई में प्रॉब्लम है। नहीं, ये सिर्फ क्योंकि डिमांड तो कांस्टेंट रहती है। विजय जी, लेकिन ये सिर्फ टमाटर का भी मसला नहीं है ना, ये तो कमोबेश 100 अगर सामान किचन में इस्तेमाल हो रहा है, रसोई में इस्तेमाल हो रहा है, पेट्रोल डीजल हम कम्यूट करने के लिए नहीं बल्कि ट्रांसपोर्टेशन, जितना भी माल ढुलाई है सब में डीजल पेट्रोल इस्तेमाल होता है। जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, सारी चीजों के दाम बढ़ते हैं, फिर जीएसटी है, और तमाम दुनिया जहान के गणित है। आम आदमी तो गणित नहीं समझ रहा, आम आदमी को तो यह पता है कि उसके बजट जो है कितने परसेंट बढ़ा। वो पहले 1,000 रुपए लेकर जाता था तो कितना सामान लाता था, अब 1,000 रुपए लेकर जाता है तो कितना सामान लेकर जाता है, बस उसको इतना पता है।